Hello friends, Unique Institute welcomes you. Today we will start the new series. The name of our new series is Noun. So let's start the first chapter of Noun. But before starting, I would like to say sorry because I could not upload my video in the morning today. So don't waste time. Let's start the chapter number first. Dear friends, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा YouTube पे देने का प्रयास कर रहा हूँ और इसका कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बुक से भी पढ़ना चाहिए और अगर आपको लगता है कि YouTube का मटेरियल आपके लिए पर्याप्त नहीं है तो आप यूनिक इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं या जो नंबर आपको दिया जा रहा है, जो स्क्रीन पे आपकी डिस्प्ले हो रहा है, उस नंबर पे कॉल करके आप ये बुक्स बुला सकते हैं आपके लिए. जो कुछ भी चार्ज रहेगा आपको बता दिया जाएगा. सो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी ये बुक्स. स्पोकन इंग्लिश, वोकैबुलरी और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट इनके अंदर मिलेगा आपको. तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर. तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करूंगा नाउन से. और जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश में नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन और प्लेस और थिंग्स. जैसा कि हम जानते हैं, किसी स्थान वस्तु के नाम को, व्यक्ति स्थान वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. और ये तो काफ़ी कॉमन परिभाषा है, आप सभी समझते हो. लेकिन कुछ मित्रों की रिक्वेस्ट थी कि मैं इसमें एक्सप्लेन भी करूँ थोड़ा बहुत, नहीं तो मैं सीधा आपको प्रैक्टिस सीरीज लेके चल रहा था. तो उस वजह से मुझे ये मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन हमारा पांच प्रकार का होता है. देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन. तो हमारा सबसे फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन को अगर हिंदी में कहें तो एक निजवाचक संज्ञा. जब किसी व्यक्ति का नाम होता है, जैसे कि मोनू, सोनू, गोलू, दीपक, नरेश, ये नाम किसी निश्चित व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं. हाँ, एक व्यक्ति के दो नाम हो सकते हैं, लेकिन एक विशेष आदमी की एक पहचान होती है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे. इसी के साथ आता है हमारा कॉमन नाउन. हमारा सेकंड है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन वह होता है जिसे हम जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं. जैसे हम कहते हैं कि लड़के, हम कहते हैं लड़कियां, या हम कहें कि जैसे कि हम कहें कि चाइल्ड, बच्चा, हम कहें कि गर्ल. तो ये क्या होते हैं कि एक चाइल्ड जैसे कहा तो पूरे एक बच्चों की जाति को डिनोट करता है. जैसे हमने कहा स्टूडेंट, तो ये जातिवाचक संज्ञा. एक स्टूडेंट की एक कैटेगरी होती है. तो इस प्रकार से ये हमारा कॉमन नाउन हो जाता है. आइए देखते हैं हमारा अगला नाउन, मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन वह नाउन होता है जो मटेरियल, जैसे हम हिंदी में कहें कि मात्रा किसी भी चीज़ की, जैसे कि कोई सामग्री, जैसे हो जाती हमारा चावल, दाल, या कहें कि गोल्ड, शुगर, मिल्क, ये सब के सब हमारे मटेरियल में आते हैं. इनको मटेरियल नाउन में रखेंगे. इनको हम गिनते भी नहीं हैं, इनमें नंबर नहीं होते. ऐसा नहीं होता कि एक गोल्ड दे दीजिए, ऐसा नहीं होता. हाँ, ये ज़रूर होता है गोल्ड से बनी कोई वस्तु दे दीजिएगा. इस प्रकार से हमारे मटेरियल नाउन हो जाते हैं. आइए देखते हैं अगला हमारा कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन, चूँकि नाम से स्पष्ट है, कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन. जैसे हम कहें कि एक ग्रुप, जैसे हम कहें ग्रुप, और जैसे कि मान लीजिए हमारे आर्मी होता है, आर्मी, क्लास, टीम, इसे ये पूरे ग्रुप को डिनोट करता है. तो इसलिए हम इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. आइए हमारा अगला नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम कहते हैं अमूर्त नाउन या भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा जहाँ भाव का बोध होता है, जिन चीज़ों का आप स्पर्श नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते. जैसे एग्जांपल दिया है लव, ऑनेस्टी. तो आप जानते हैं जैसे लव होता है तो आप जानते हैं उसे महसूस किया जा सकता है. ऐसा नहीं कि आप किसी दुकान पर जाके कहें दुकानदार से कि भैया हमको जो है एक किलो लव दे दीजिए, या आप कहें कि जो आप फीलिंग जो बेचते हैं वो नकली है, आप कंप्लेंट कर दें, उपभोक्ता फोरम चले जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता. तो इस वजह से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं. काफ़ी सारे नाउन होते हैं यहाँ पे. तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको थोड़े ही एग्जाम्पल दे पा रहा हूँ. जैसे मैंने लव दिया, ऑनेस्टी का दिया, अफेक्शन का दिया. उसके अलावा भी बहुत सारे, सभी नाउन के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं. आइए देखते हैं हमारा अगला. बट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ नाउन इन मॉडर्न इंग्लिश. मॉडर्न इंग्लिश में बस हम नाउन को थ्री टाइप से डिनोट करते हैं. यहाँ पे थ्री की स्पेलिंग एरर है, बस उसको ध्यान मत दीजिएगा. जैसे कि प्रॉपर नाउन, जैसा कि मैंने अभी बताया, प्रॉपर नाउन व्यक्ति का नाम, किसी पर्सन का नाम, जैसे रवि, सिटी का नाम दिल्ली, किसी भाषा का नाम इंग्लिश, या मान लीजिए किसी त्यौहार का नाम दिवाली, तो ये प्रॉपर नाउन होते हैं. आइए देखते हैं अगला नाउन, काउंटेबल नाउन. चूँकि मॉडर्न इंग्लिश हम नाउन को सिर्फ तीन भागों में डिवाइड करते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. तो काउंटेबल नाउन को समझ लेते हैं. काउंटेबल नाउन जिसे गिना जा सके, जैसे बॉय है, गर्ल है, या कोई भी वस्तु है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसकी संख्या एक, दो या दो से अधिक हो सकती है, तो काउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते. जैसे कि मैंने अभी बताया था, लव को नहीं गिन सकते, वाटर को नहीं गिन सकते, शुगर को नहीं गिन सकते, मिल्क को नहीं गिन सकते. तो ये सारे के सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं. आइए देखते हैं आगे. अब नंबर
चूंकि अब चूंकि नाउन हमारे जो है काउंटेबल नाउन भी दो प्रकार के हो जाएंगे, इसमें हम रखेंगे सिंगुलर नंबर और दूसरा हमारा प्लुरल नंबर। जैसा कि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, सिंगुलर नंबर वो है संख्या जो एक नंबर को डिनोट करती है, वो सिंगुलर नंबर हो जाता है, और वो संख्या जिसमें दो से अधिक नंबर, दो या दो से अधिक नंबर हो जाते हैं, उनको हम प्लुरल नंबर बोलते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि बुक्स, कार्स, चेयर्स, स्टूडेंट्स, ये दो से अधिक संख्या को, दो या दो से अधिक संख्या को डिनोट करता है, और एक होगा तो सिंगुलर, जैसे कि बुक, कार। आइए देखते हैं अगला। अब सिंगुलर से, हमारे सिंगुलर से प्लुरल नाम कैसे बनते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं। अब बहुत सारे तो हम याद नहीं कर सकते, इतने सारे याद नहीं कर सकते, तो इनके कुछ नियम होते हैं किस प्रकार से हम सिंगुलर से प्लुरल में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर वन, बुक। बुक्स में हम एस लगा के इसको प्लुरल कर सकते हैं, बड़ा सीधा सा फार्मूला है। जैसे बुक होगा तो हम उसमें एस लगा के उसको बुक्स कर लेंगे। जैसे और भी कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए आपका कार है, तो हम उसमें एस लगा के कार्स कर लेंगे। इस प्रकार से आप इसमें एस लगा के प्लुरल नाउन बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला हमारा क्लास। क्लास में हम ईएस लगाकर हम उसको प्लुरल नाउन बना सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त है, ईएस कब लगाएंगे, हमें दिए जाने वाले वर्ड, जो वर्ड हमको दिए जाते हैं, वो वर्ड, जो वर्ड हमको दिए जा रहे हैं, सॉरी, जो वर्ड हमको दिए जा रहे हैं वो वर्ड एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या जेड, ये वर्ड हमारे पास होने चाहिए, तो हम वहाँ पे आसानी से, तो हम वहाँ आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। जैसे स्टमक, स्टमक से हम यहाँ पे एस लगा देंगे। अगर हम इसका उच्चारण हमारा के साउंड मिलता है, जब हम स्टमक पढ़ते हैं तो इसको हम स्टमच नहीं पढ़ते, हम इसको स्टमक पढ़ते हैं, तो हमारा जो उच्चारण है हमारा के साउंड मिलता है, तो हम इसमें जो है एस लगाकर इसको प्लुरल आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा फोर्थ नंबर का, वुमेन। वुमेन को हम वुमेन कर देंगे, विमेन कर देंगे, वुमेन को हम विमेन कर देंगे, विमेन, यहाँ पे हम एम ई एन कर देंगे, एम ए एन के स्थान पर, ये देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, एम ए एन के स्थान पर आप एम ई एन कर देंगे। इस प्रकार से आपका आसानी से सिंगुलर टू प्लुरल कन्वर्ट हो जाएगा। परंतु आप नंबर फाइव देखिएगा, इसमें कुछ अलग नियम भी हैं। जैसे कि अब वाइफ है, तो वाइफ को कन्वर्ट करने के लिए आपको डब्ल्यू आई वी ई एस करना पड़ेगा, वाइफ्स करना पड़ेगा। और ये क्यों होता है, क्योंकि जब कभी भी जहाँ भी आपको एफ या एफ ही दिया रहेगा, उसमें आप वी ई प्लस ई एस का प्रयोग करेंगे। ये देखिएगा यहाँ पे आपको अगर ये दिया रहेगा, एफ या एफ ही दिया रहेगा, तो आप इसके स्थान पर वी ई प्लस ई एस का प्रयोग करके प्लुरल बना सकते हैं। तो देखिएगा हमारा नेक्स्ट नंबर देखते हैं, बट सम एक्सेप्शनल केस। परंतु कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, आपको दिया गया है एक्सेप्शनल केस में, आपको दिया गया है सेफ, सेफ के स्थान पर आपको ये देखिएगा, ये दिया गया आपको ये सेफ, सेफ को सेफ्स किया है यहाँ पे, इसमें वी ई एस नहीं लगाया गया है। तो कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, और ये जो एक्सेप्शनल केस, इनको याद ही करना पड़ता है। जो चीज़ें नियम के अंतर्गत नहीं बनती हैं उनको हमको याद करना पड़ता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। 90% तक तो आपके फार्मूले काम करेंगे, आप सिंगुलर से प्लुरल आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा नंबर सिक्स, सिटी। सिटी का हमारा सिटीज़ हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ पे हमारा सिटी का सिटीज़ हो जाएगा, जैसे कि यहाँ दिया गया है आपको, ये देखिएगा सिटी, सिटीज़। इसका बड़ा इजी सा फार्मूला है कि जब कभी भी आपका, ये देखिएगा, ये देखिएगा सिटीज़, जहाँ पे भी आपका जो आपकी वर्व है, वर्व के का जो सॉरी जो नाउन है, जो नाउन का जो वर्ड है बाय, जैसे सिटी का ये देखिएगा पीछे का वर्ड जो बाय है, वो बाय के पहले अगर आपका कंसोनेंट दिया रहेगा तो आपको आई एस लगाना पड़ेगा, और इसीलिए हमने यहाँ पे आई एस लगा के ये देखिएगा हमने यहाँ पे सिटीज़ कर दिया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सेवन, यहाँ पे आपका की दिया है, की, तो इसका हमने कीज़ कर दिया है। यहाँ थोड़ा सा हमारा रूल चेंज हो गया है, यहाँ देखिएगा आप, अगर मान लीजिए आपका दिया गया आपके नाउन के पीछे का जो वर्ड है बाय है, उसके पहले का वर्ड अगर बाउल है, ये देखिएगा आपको ई दिया है, ये चूंकि वाउल है, वाउल के कारण हम सिर्फ यहाँ पे एस लगाकर आपका प्लुरल बना सकते हैं। आज मुझे आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं आगे नंबर एट, जैसे एनालिसिस। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम दूसरे ही तरीके से बनाते हैं, जैसे एनालिसिस, एनालिसिस को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालिसिस, अंडरस्टैंड, एनालिसिस करेंगे तो आपका ये बन जाएगा,
वेरी गुड। उसी प्रकार आप देखेंगे इनको हम एक रेगुलर नाउन, इनको इरेगुलर नाउन कहते हैं क्योंकि इनका नियम ही अलग होता है। जैसे कि क्राइसिस, तो क्राइसिस का जब प्लुरल कर लेंगे आप तो उसको क्राइसिस करना पड़ेगा आपको। इसी के पहले जैसे क्राइटेरियन, तो क्राइटेरियन का आपको क्राइटेरिया करना पड़ेगा। क्राइटेरियन आपका सिंगुलर है, क्राइटेरिया आपका प्लुरल है। ये देखिए आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद कंपाउंड टू प्लुरल, अब बात आती है हमारी कि कुछ हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं उनका हम प्लुरल कैसे करें। जैसे बॉयफ्रेंड, तो बॉयफ्रेंड का बॉय फ्रेंड्स करना पड़ता है। यहाँ पे बॉयज़ फ्रेंड नहीं होगा, यहाँ पे आप बॉयज़ फ्रेंड नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा बॉय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस प्रकार के नाउन बनाने की शायद पहले ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, पर आजकल तो पड़ती है क्योंकि जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक दो तो होते नहीं, अब तो बहुत सारे सब लोग बहुत समझदार हैं, बहुत सारे दोस्त बना लेते हैं, होना भी चाहिए, तो बॉय फ्रेंड्स। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर, तो जब हम इसका प्लुरल करेंगे तो हम इसमें चीफ मिनिस्टर्स करेंगे, ना कि चीफ्स मिनिस्टर, क्योंकि यहाँ पे चीफ का मतलब होता है मुख्य, मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री, तो हमको यहाँ पे मंत्रियों की संख्या बढ़ाना है। जैसे ऊपर वाले हमने फ्रेंड्स की संख्या बढ़ाई, तो यहाँ पे हम मंत्रियों की संख्या बढ़ाएंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ आप देखते हैं नंबर टेन आता है कंपाउंड टू प्लुरल। अब कंपाउंड नाउन से आगे भी प्लुरल नाउन बनाना है हमें, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़े से अलग टाइप का नियम है। जैसे कि यहाँ दिया गया है मेन टीचर, मेन टीचर, तो हमने यहाँ पे करा है मेन टीचर्स। फ्रेंड्स यहाँ पे हमको दोनों पार्ट में ही चेंज करना पड़ता है, यहाँ पे हमको रूट वर्ड में भी चेंज करना पड़ता है और उसके साथी वर्ड में भी चेंज करना पड़ता है जो पेयर में वर्ड दिए गए हैं। जैसे कि आपने देखा है एम ए एन का हमने एम ई एन कर दिया, और टीचर्स भी करना पड़ा हमको, टीचर का हमने टीचर्स कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं हम अगला वर्ड, जैसे कि वुमेन डॉक्टर, तो यहाँ भी देखिएगा हमने वही किया वुमेन, वेमेन डॉक्टर्स, ये हमारा प्लुरल हो गया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और नए तरीके से अलग वीडियो में समझाने का कोशिश करूँगा, और आप वीडियो को पॉज करके भी आराम से समझ सकते हैं उसको। अनकाउंटेबल नाउन इज़ नॉट अ चेंज इन टू द नंबर, अब आप भी जानते हैं कि अनकाउंटेबल जो नाउन है वो कभी भी नंबर में चेंज नहीं होता है। जैसे कि नीचे देखते हैं ब्रेड और पोएट्री, कई बार हमको कन्फ्यूज़न होता है, हम ब्रेड या पोएट्री को हम इसको काउंटेबल नाउन समझ बैठते हैं, पर सच में ये होता नहीं है। आई वांट अ लॉफ ऑफ ब्रेड, मुझे जो है लोफ ऑफ ब्रेड चाहिए, अंडरस्टैंड। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि आई वांट अ ब्रेड, आप ब्रेड नहीं कर सकते आप, बल्कि आपको करना पड़ेगा अ लोफ ऑफ ब्रेड। इसी प्रकार नेक्स्ट जो है हमारा एग्जांपल, आई लाइक अ पोएम, ऐसा नहीं बोल सकते कि आई लाइक अ पोएट्री, क्योंकि पोएट्री जो है वो अनकाउंटेबल है, उसको गिना नहीं जा सकता। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं फ्रेंड्स, मैं आपको सजेशन देता हूं कि अपना कॉपी लेके बैठिएगा और आप अपने कॉपी में टिक मारते जाइएगा कि आप किसको सही मानते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको वन बाय वन आंसर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर वन, रीमा एंड माधुरी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर टू 10 रुपीज़ नोट, नो एरर। अब जल्दी से सोचिएगा इसमें क्या एरर है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आइए मैं आपको बताता हूँ। 10 रुपीज़ नोट, फ्रेंड्स देखिएगा, जब कभी भी आपके किसी भी नाउन के किसी भी जैसे रुपी के पीछे जब कभी भी नाउन आ जाता है तो हम वहाँ आपसे ऐसा हटा देते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आपका 10 रुपीज़ नोट, नोट चूँकि एक नाउन है इसलिए हमको एस हटाना पड़ेगा, ये नियम है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इसको हमेशा रखिएगा याद, क्योंकि आगे भी आपको काम आने वाला है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, यू विल, ये देखिएगा, यू विल फाइंड अ बुक स्टॉल एट द फ्रंट साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट, पढ़ लीजिएगा, अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। एट द फ्रंट, फ्रेंड्स ऐसा क्यों हुआ, देखिएगा ये आपको आगे भी काम आएगा और अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार पूछा भी गया था। यू विल फाइंड अ बुक स्टॉल एट द फ्रंट साइड, ये देखिएगा फ्रंट साइड, फ्रंट कभी भी फ्रंट साइड नहीं होता, या तो राइट साइड होता है या फिर लेफ्ट साइड होता है, फ्रंट साइड या बैक साइड कभी नहीं होता, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे फ्रंट साइड की एरर है। फ्रेंड्स मैं आपको हिंदी करके नहीं बता रहा हूँ इनकी, आप चाहे तो मैं बता सकता हूँ, चूँकि हिंदी करने में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर थोड़े से क्वेश्चन ही कवर हो पाते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि आपको हिंदी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिंदी वही लोग कर सकते हैं जिनको अच्छी स्पोकन इंग्लिश आती है या फिर जो इंग्लिश मीडियम से हैं, और जो सिर्फ एग्ज़ाम की दृष्टि से अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं वो हिंदी करने के लफड़े में ना पड़ें। मैं उनको ऐसी ट्रिक दे दूंगा कि वो आसानी से पलक झपकते ही अपने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स हिंदी करने की टेंशन में मत रहिएगा, और अगर आप हिंदी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, द टीचर एंड गार्जियन अप्रिशिएट जया वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग विद अ व्यू टू अचीव नॉर्मल हेल्थ, नो एरर। फ्रेंड्स इसे अच्छे से एक बार और पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं इसके आंसर देता हूँ आपको। आइए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। जयास वॉकिंग,
फ्रेंड्स ये देखिए, द टीचर एंड गॉर्जियन अप्रिशिएट जया वॉकिंग। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि राम वॉकिंग, जया वॉकिंग, दीपक वॉकिंग, ऐसा नहीं होता, बल्कि जयास वॉकिंग होता है, क्योंकि टीचर और गार्जियन किस बात की तारीफ़ कर रहे हैं, जया की वॉकिंग की तारीफ़ कर रहे हैं कि उसके नॉर्मल हेल्थ के लिए उसके लिए वॉकिंग करना बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए जया के वॉकिंग की कर रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। माय सन इज़ रीडिंग दिनकर एंड निरालास पोइट्री एज पार्ट ऑफ हिज सिलेबस, नो एरर। ये देखिएगा, इसका आंसर बताइएगा, सोचिए। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। दिनकर एंड निरालास, फ्रेंड्स बड़ा सरल सा कॉन्सेप्ट है, ये देखिएगा, यहाँ लिखा है दिनकर एंड निरालास। नाउन में ऐसा होता है कि जब कभी भी दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं, उनको करने वाला जो कर्ता होता है वो एक ही पर्सन होता है, तो हमेशा हम पीछे वाले नाउन में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दिनकर से निरालास यहाँ दिया गया है, तो हम दिनकर में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ हम निरालास में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टैंड, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज़ माय फादर्स इन लॉ बिजनेस विच स्टार्टेड रिसेंटली। आइए मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका, आप सोचिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। फादर इन लॉस, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कभी भी हम अपोस्ट्रोफी बनाते हैं तो हम उसके रूट वर्ड में लगाते हैं, तो यहाँ पे जो ला है, ला यहाँ पे रूट वर्ड ला दिया है, इसलिए हम फादर्स इन ला नहीं करेंगे, बल्कि करेंगे फादर इन लॉस, इस टाइप से करेंगे। अपोस्ट्रोफी की बात हो रही है यहाँ पर, अंडरस्टैंड आई थिंक। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। माई फ्रेंड वेंट टू बॉम्बे एंड स्पोक टू गोविंदा द एक्टर सेक्रेटरी। ये देखिए यहाँ पे, माई फ्रेंड वेंट टू बॉम्बे एंड स्पोक टू गोविंदा सेक्रेटरी। आइए इसका आंसर देखते हैं। टू, फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पे केजरीवाल की जगह आप गोविंदा कर लीजिए, ठीक है, वो मैं चेंज नहीं कर पाया। टू गोविंदा, तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे जो गोविंदास जो दिया गया है, ये गोविंदास नहीं होगा, ये गोविंदा होगा। जैसे कि ये कह रहा है माय फ्रेंड वेंट टू बॉम्बे, मेरा दोस्त बॉम्बे गया, एंड स्पोक टू गोविंदा, और उसने गोविंदा से बोला, वो द एक्टर सेक्रेटरी, जो कि एक्ट्रेस का सेक्रेटरी है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे जो केजरीवाल है ये मिसिंग है, इसको आप जो है गोविंदा कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चिल्ड्रन शुड नॉट सीक एडमिशंस टू एल्डर सोसाइटी, नो एरर। आप सोचिए, उसके बाद समय ना लगाते हुए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। सीक एडमिशंस, फ्रेंड्स एडमिशंस जो होता है, एडमिशन, ये देखिएगा, एडमिशन में एस लगाकर कभी हम प्लुरल बनाने की कोशिश नहीं करते। एडमिशन अनकाउंटेबल नाउन है, उसका हम कभी भी उसमें एस लगाकर हम उसका प्लुरल बनाने की कोशिश नहीं करते, वो एक अनकाउंटेबल फॉर्म में ही रहता है, उसको ए एडमिशन या एडमिशंस नहीं करेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेस अ ह्यूज स्कोर इन इट इन द सेकेंड इनिंग, नो एरर। फ्रेंड्स जल्दी से सोचिएगा, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बड़ा मुश्किल है कि हम लोग जो सेकेंड इनिंग्स में बड़ा स्कोर बना पाएँ, इन द सेकेंड इनिंग्स में बड़ा स्कोर हम बना पाएँ, को हासिल कर पाएँ। आइए देखिए मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। द सेकेंड इनिंग्स, फ्रेंड्स जब कभी भी हम बात करते हैं तो हम वहाँ पर इनिंग का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हमको यहाँ पे इनिंग्स का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे ये देखिए, ये इनिंग्स का प्रयोग किया गया है। इनिंग्स का मतलब होता है पारी। आप ये मत सोचिएगा कि इनिंग मतलब पारी और इनिंग्स मतलब पारियाँ हो जाएगा, नो। जब मैच के सेंस में बात करते हैं तो इनिंग्स का मतलब होता है पारी, और यहाँ पे हम इनिंग्स का ही प्रयोग करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सी डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विथ सीजर्स, नो एरर। यहाँ पर सोचिएगा क्या आंसर होना चाहिए, फिर मैं उसका रीज़न बताऊँगा। ये देखिएगा, बट विथ सीजर्स, यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ए लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपने ये लगाया होगा, ये सीजर्स, ये देखिएगा यहाँ पे आपने ए सीजर्स लगाया है। ए सीजर्स से आपने कोशिश की है कि चूंकि वो एक सी डज नॉट कट पेपर विथ ब्लेड बट विथ सीजर्स, आप ये कह रहे हैं कि वह जो है पेपर जो ब्लेड से पेपर नहीं काटती है, बल्कि वो कैंची से काटती है, तो आपने सोचा होगा कि यहाँ पे ए सीजर्स सही है। ये फ्रेंड्स जो सीजर्स होता है इसमें एस लगता है, पर ये सिंगुलर ही होता है। जब कभी भी हमको अगर इसका सिंगुलर बनाना होता है, ये हमेशा अगर इसके हमें एक पार्ट की बात करना हो तो हम इसे बोलेंगे ए सेट ऑफ सीजर, ए सेट ऑफ सीजर्स, लेकिन कभी भी ए सीजर्स हम नहीं करेंगे। ये हमेशा इसी फॉर्म में होता है, ये सिंगुलर फॉर्म ही होता है ये हमेशा, अंडरस्टैंड। तो इसमें ए लगा के और ज़्यादा सिंगुलर करने की हम कोशिश नहीं करते। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। I went to the house and found that the cart's wheel was broken.
आई थिंक आंसर तो आपने पहले ही देख लिया, द व्हील ऑफ कार्ट। आइए मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ फ्रेंड्स। जब कभी भी ये देखिएगा द कार्ट्स, ये देखिएगा द कार्ट्स व्हील। तो कार्ट्स व्हील ये क्या है, ये बोल रहा है कि व्हेन आई वेंट टू द हाउस आई फाउंड द कार्ट्स व्हील वाज ब्रोकन। जब मैं घर गया तो मैंने देखा कि जो गाड़ी का जो चक्का था, जो पहिया था, वो टूटा हुआ था। तो फ्रेंड्स कभी भी जो है हम कार्ट्स व्हील नहीं करते, कभी भी हम निर्जीव वस्तुओं में अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते हमेशा। जैसे कि हम, जैसे फादर्स नेम, पिताजी का नाम क्या है, फादर्स नेम, वास्तव में एस अपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम ऑफ बनाने के लिए करते हैं, का बनाने के लिए करते हैं। लेकिन फादर सजीव है, सजीव में कर सकते हैं, हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कभी भी नहीं करेंगे। जैसे हमको बोलना पड़ेगा कि स्प्रिंग्स फ्लावर, तो ये गलत हो जाएगा, हमको ऐसा करना पड़ेगा द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग्स। अंडरस्टैंड, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो कार्ट्स व्हील है वो नहीं करेंगे, बल्कि हम करेंगे द व्हील ऑफ कार्ट। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। रघु इज गोइंग टू अल्फ्रेड नोवल्स द साइंटिस्ट कंट्री। जैसे मैंने कहा कि रघु इज गोइंग टू अल्फ्रेड नोवल्स द साइंटिस्ट कंट्री, देखिएगा फ्रेंड्स इसका आंसर अल्फ्रेड नोबल। जैसा कि यहाँ दिया गया है रघु इज गोइंग टू, जब रघु किसी के पास जा रहा है तो उसमें अपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत क्या है, रघु इज गोइंग टू अल्फ्रेड नोबल। रघु जो है अल्फ्रेड नोबल के पास जा रहा है, द साइंटिस्ट कंट्री। फ्रेंड्स कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में बड़े बड़े सेंटेंस आपको दिए रहते हैं, जैसे द साइंटिस्ट कंट्री, इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, हमारा सेंटेंस यहीं ख़त्म हो जाता है, हमारा सेंटेंस यहाँ तक ख़त्म हो जाता है बस। एग्ज़ाम में आपको डराने के लिए बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं, पर उसमें लॉजिक थोड़ा सा ही लगता है, तो आप लॉजिकली देखिएगा, बड़े क्वेश्चन देख के डरिएगा मत, उसमें जरा सा थोड़ा सा लॉजिक लगता है, और पूरे क्वेश्चन में उसे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, एक बार अच्छे ध्यान से पढ़िएगा। आई थिंक मैं आपको धीरे धीरे सारी ट्रिक बता दूंगा, अभी मैंने थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट किया है। फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सचिन तेंदुलकर है स्कोर्ड मोर देन 5000 रन्स। ये कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर ने 5000 से भी ज़्यादा रनों का सहयोग किया है, उससे भी ज़्यादा रन बनाए हैं उन्होंने। तो आइए इसका आंसर देखते हैं 5000। फ्रेंड्स इसका मैं रीज़न बता देता हूँ, जब कभी भी हमारे किसी संख्या के पीछे उसके ऐसा एग्जैक्ट नंबर बताने वाला जब डिटर्मिनर्स लगा होता है, डिटर्मिनर्स जिसे निर्धारक कहते हैं, जैसे कि थाउजेंड्स, तो यहाँ पे देखिएगा आपको 5 लगा हुआ है, तो ये देखिएगा ये 5 लगा हुआ है थाउजेंड्स के पहले। तो जब एक निर्धारित संख्या बताने वाला हमारे पास डिटर्मिनर्स होता है, तो हम उसके पीछे वाले संख्या में, खासकर पैसे के केस में, हम वहाँ पे एस का प्रयोग नहीं करते, तो ये सीधा हो जाएगा हमारा 5000, ये हमारा हो जाएगा सीधा 5000। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ्स फादर इज बच्चन जी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा लॉजिक है, अमिताभ इसमें ये हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया था यहाँ पे अमिताभ, यहाँ पे देखिएगा द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ्स फादर, यहाँ पे देखिएगा दोनों के पिताजी बच्चन जी हैं, अमिताभ के और अजिताभ्स के। और मैंने बताया था कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हों तो हम पीछे वाले नाउन में एस अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, और वही हम यहाँ कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है हम जो पहले वाले नाउन में अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करेंगे, और ये हमारा अमिताभ हो जाएगा और हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। सुधाकर हाउस इज एट स्टोन थ्रो फ्रॉम हियर। ये कह रहे हैं सुधाकर का जो घर है वो यहाँ से सिर्फ एक पत्थर की दूरी पर है। स्टोन थ्रो मतलब जितनी दूर हम पत्थर फेंकते हैं, ये कहावत है चूंकि इंग्लिश की, इसका मतलब होता है कि कुछ ही दूरी पर है, दो कदम की दूरी पर है, समझे। तो देखिएगा इसका आंसर फ्रेंड्स ये बिल्कुल करेक्ट है, ये देखिएगा सुधाकर्ष हाउस सुधाकर का घर, ये भी बिल्कुल करेक्ट लगा हुआ। स्टोन थ्रो एक पत्थर की दूरी पर, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये कहावत भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देयर वॉज नो मनी इन द बैंक, हाँ बैंक इन द धनंजयस एंड मृत्युंजयस जॉइंट अकाउंट। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये वही वाला लॉजिक फिर से आ गया जो अभी बताया था आपको, आई थिंक आप इसे आसानी से कर लेंगे। इन धनंजय, ये देखिएगा जैसे मैंने, देयर वॉज नो मनी इन द बैंक इन धनंजयस एंड मृत्युंजयस जॉइंट अकाउंट। तो हम जब दो बार हमारा आता है तो हम कभी भी पहले वाले में एस अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते हैं, हम इसमें धनंजय में एस अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ हम मृत्युंजय में एस अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं इस प्रकार से आपको इस सीरीज़ में कंटिन्यू 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर तक अराउंड 100 क्वेश्चन में आपको नाउन सीरीज़ में दूंगा, और कोशिश करूंगा ज़्यादा अच्छे से समझाने का। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।